बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई करामा में दो जेली पुलिस एहलकारों ने तारे के वतन को अगवा कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत में दो एशियन अफराद पर जेली पुलिस के तौर पर एक अफराद को पेश करने और एक शख्स को अगवा करने के इल्ज़ामात में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें इन पर जेली करेंसियों की चोरी और कब्जे के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया है कि 28 साल शिकायत करंदा गुज़श्ता साल अक्टूबर में इसी रात जब वो सोने की तैयारी कर रहा था, तब दोनों मुलजमान दुबई के करामा इलाके में उनकी रिहायश गाह में घुस गए। मेरे नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या मैं वो शख्स हूँ जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। जब मैंने कहा हाँ मैं हूँ, तो दोनों मुलजमान ने मुझसे अपने साथ पुलिस स्टेशन आने को कहा। शिकायत कनंदा ने ये बात बताई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जब उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मुबैना तौर पर दोनों मुलजमान ने इस पर हमला किया। उन्होंने इसके हाथ बांधे, इसकी आंखें ढांप लीं और इसे किसी अनजान जगह पर ले गए, जिसके मुतालिक इसका ख्याल है कि वो डेरा दुबई के इलाके में है। उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा बटवा 3,200 दिरहम के साथ चोरी किया और पूछा कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लिहाजा उन्होंने मुझे दोबारा पीटा, शिकायत करंदा ने बताया। इसका सामान लेकर और ये दरियाफ्त करने के बाद कि इसके पास इसके अकाउंट में असल में पैसा नहीं है, मुलजिम शिकायत करंदा को अपने मोहल्ले में वापस ले गया और खुशकिस्मती से वहां उनको पुलिस गश्त ने देख लिया। पुलिस अफसर ने शिकायत करंदा से पूछा कि ये क्या हो रहा है, इसने इसे सच बता दिया, ये कहते हुए कि इन दोनों अफराद ने पुलिस एहलकार बनकर इस पर हमला किया था। इन दोनों ने इस दावे की तर्दीद की, लेकिन जब अफसर ने इनकी शनाख्त तलब की तो उसे जुर्म का इल्म हो गया। जब एक मदा अलह अपने आईडी कार्ड की कॉपी के लिए अपना फ़ोन ब्राउज कर रहा था तो पुलिस एहलकार ने हाथ और आंखें बांधे हुए शिकायत कनंदा की तस्वीर देखी। पुलिस ने उनके फ़ोन जब्त किए और उनकी कार तलाशी ली, जहां उन्हें शिकायत करंदा का सामान और जेली करेंसियों का एक बैग मिला। हुक्काम ने इन दोनों को अवामी इस्तगासा के हवाले किया, जिसने अपना मुकदमा फौजदारी अदालत में पेश किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिद्दा अरब अमारात में मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए नए इनकलाबी इकदाम कर लिए गए। अब इस खबर की तफसील। मुतहिद्दा अरब अमारात में मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए वजारत इंसाफ ने कुछ ऐसे इनकलाबी इकदाम कर लिए हैं जिनमें खसूसी अदालतें और तहकीकाती कमेटी का क्याम शामिल है, जो शुमाली रियासतों में खासकर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करेगी। डॉक्टर तारिक अल रशीद, जो कि अजमान का पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मेम्बर है और कौमी कमेटी बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनानसिंग एंड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ाल मेम्बर भी हैं, उनका कहना है कि हालिया दिनों में सुल्तान बिन सईद अलबादी की जानिब से ठोस इकदाम के अलावा वजीर इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए अजमान, शारजा, उमुल कुवैन और फजीरा में खसूसी अदालतें कायम की हैं। इसके अलावा मुनजमद और जब्तशुदा अकाउंट्स के लिए खसूसी कमेटी कायम की जाएगी। इंटरनल जनरल के दफ्तर में कमेटी बराए इंसाफ और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी खसूसी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर तारिक का कहना है कि वजारत इंसाफ तहकीकात और मुकदमात की समाप्त से मुतालिक अमल को आलमी मियार के मुताबिक देखती है। उन्होंने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स से खिताब करते हुए ये गुफ्तगू की। इसमें जजेज और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए मुख्तलिफ केसेस के हवाले से मवाद भी मौजूद था। अक्टूबर 2020 में वजारत इंसाफ ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इकदाम में 200 से जायद ला फर्म के लाइसेंस मनसूख कर दिए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिए गए हिदायतनामा और जवाबत पर अमल नहीं कर रहे थे। वजारत के मुताबिक इन वकला के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो मुख्तलिफ अहकाम पर अमल दरामद नहीं करते। वजारत इंसाफ के हुक्काम ने कहा कि इन ला फर्म को 50,000 से 5 मिलियन दिरहम का जुर्माना भी किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिद्दा अरब अमारात
बुर्का पहनकर बंगले में चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक बंगले में चोरी करने वाले एक यूरोपी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बंगले में चोरी के लिए बुर्का और नकाब का इस्तेमाल किया। चोरी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पर बंगले पर पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने देखा कि चोर ने एक तेज धार आले से अलमारी को खोला था। मजीद बरम फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि चोर ने अलमारी को काटने के लिए एक छोटे आरे का भी इस्तेमाल किया, जिससे तांबे के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। तो असली मुजरिम के घर से एक अबाया और नकाब मिला, और जब वो बंगले में आरे से अलमारी काटने की कोशिश कर रहा था तो तांबे का एक टुकड़ा उसके कपड़ों पर गिर गया, जो पुलिस को मिल गया था। ताहम जब तमाम सबूत मुलजिम के सामने रखे गए तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुतहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,355 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 3,63,052 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,105 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,72,530 हो गई है। वजारत सेहत ने 15 मरीजों की फौतकी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1,140 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 8,338 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की, और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तआवुन करें और तमाम एहतियाती इकदामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।